उसमें ऐसे तल्लीन हो जाएंगे, जब चेतन अवस्था में लौटेंगे तो उसी के ध्यान में लौटेंगे और उस समय आपको बड़ी सुंदर अनुभूति होगी कि आपका हृदय मस्तिष्क आनंद से भर गया। जितना मस्तिष्क पर भार था वह हल्का हो गया। यह पूजा का तरीका जैन संत महात्मा ने बताया साकार पुजारियों के लिए, यदि ऐसे पूजा करेंगे तो उसका विशेष लाभ होगा, चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, कंसंट्रेशन प्राप्त होगा, सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी और सुषुप्ति से धीरे धीरे सहज समाधि में प्रवेश करेंगे। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं, परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते हुए भगवान के नाम को पकड़े और उस नाम को चुने जो उनकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है। कोई ना कोई नाम से तो याद करते ही होंगे, हिंदू भाई ओम, मुसलमान भाई भाई अल्लाह, सिख भाई वाहगुरु, क्रिश्चियन भाई क्राइस्ट या गॉड, जो आपकी आत्माओं को सुंदर और अच्छा लगता है चुन सकते हैं। जो नाम आपकी आत्माओं को प्यारा लगे उसे पकड़े। फिर आसन तो वही है, सुख आसन से पड़ोथी लगाकर बैठे, हृदय की तरफ निगाह करें, आनंदमय अवस्था बनाएं और ये ख्याल करें कि जब आपका हृदय दुख दुख करता है उस हार्ट बीट में से ये ओम नाम निकल रहा है। ये जो नाम आपने चुना है वो निकल रहा है, हृदय ओम ओम कह रहा है, जवान नहीं कह रही। शुरू शुरू में दिक्कत होती है, तब आप मानसिक जाप कर सकते हैं ओम, बड़े प्यार से ओम ओम। धीरे धीरे ऐसी अवस्था आती है कि आपको बहुत स्पष्ट सुनाई देने लगता है कि हृदय से ओम की आवाज निकल रही है। ऐसी हालत पैदा हो जाती है, ना कोई दूसरा ख्याल रहता है ना विचार, ऐसे तल्लीन नाम में हो जाते हैं कि अपना होश नहीं रहता, अपने आप से गायब हो जाते हैं, विचार शून्य अवस्था प्राप्त होती है और जब चेतन अवस्था में आते हैं तो वही नाम सुनते होते हैं। फिर हमें एहसास होता है बड़े आनंद का कि हमारा मस्तिष्क अनुपम आनंद से भर गया, बड़ी शांति मिली। ये तरीका पूजा का बतलाया, हमारे रास्ते के संत महात्माओं ने, यदि ऐसे पूजा करेंगे विशेष लाभ होगा, चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, धीरे धीरे सुषुप्ति की अवस्था से सहज समाधि में प्रवेश कर जाएंगे, हमें आत्मा और उस परमात्मा का अनुभव होने लगेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि हम उससे एकाकार हो जाएंगे और ज्योति से ज्योति मिल जाएगी। इन संतों ने क्योंकि ग्रस्त में रहे इस बात का विशेष ध्यान रखा कि हमारे काम का समय ना लिया जाए। पहली सीढ़ी का दूसरा स्टेप, हर मनुष्य भोजन करता है और भोजन करने में आधा घंटा दोपहर को और आधा घंटा रात्रि को लगाता है। ये समय ऐसा है कि खाली है, दुनिया के व्यवहार का आप कोई काम नहीं कर रहे होते। इस समय में इस भोजन के तरीके में परिवर्तन लाना पड़ेगा और वास्तव में हमारा पुराना कल्चर बड़ा सुंदर था, हमारे ऊपर वेस्टर्न कल्चर की छाप पड़ी और हमारा स्टैंडर्ड 2.5 फुट ऊंचा हो गया। पहले जमीन पर बैठकर भोजन करते थे, अब मेज कुर्सी पर बैठकर भोजन करते हैं। इस बात में कोई नुकसान नहीं, विशेष हर्ज क्या है कि जितने दुनियावी वार्तालाप होते हैं
वो हम खाने की मेज पर करते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को वेस्टर्नाइज कर लिया, पश्चिम सभ्यता को अपना लिया। इस तरीके में तब्दीली लानी होगी। यदि आप आध्यात्मिक जिंदगी चाहते हैं, हमें परिवर्तन क्या है कि जब भोजन आपके सामने आ जाए तो भगवान को अर्पण कर दीजिए और हर ग्रास हर कौर अपने इष्ट की याद में खाए, ना कोई ग्रास परमात्मा की याद के पेट में जाए, ना कोई चीज बिना परमात्मा की याद के पिए। ये अभ्यास भोजन की एक विशेषता है। भोजन जिन विचारों में डूब कर किया जाता है, जो खून बनेगा उन्हीं विचारों का रंग हुआ बनेगा। अगर भोजन ईश्वर की याद में डूब कर करेंगे, दिन में जब भी आप खाली होंगे ईश्वर की याद आएगी ऑटोमेटिक। भक्ति के लिए जब तक आपका खून नहीं बदल जाता भक्ति नहीं आती। भगवान कृष्ण ने गीता में साधक की दृष्टि से चार विशेष बात बतलाई। पहली है आहार की शुद्धि, दूसरी है विहार की शुद्धि, तीसरा है अभ्यास, चौथा है वैराग्य। तो ये आहार की शुद्धि जो हमें करनी है। इन संतों ने कितना सरल आसान तरीका हमारे सामने रखा कि कैसे सहूलियत से हो जाए। इस तरीके से भोजन करेंगे, जो खून बनेगा उसी का रंग हुआ बनेगा। जब भी खाली होंगे ईश्वर की याद ही आएगी, दूसरी तप मन नहीं जाएगा, क्योंकि आप भोजन परमात्मा की याद में कर रहे हैं। अब पूजा में भी परमात्मा की याद करते हैं, तो ये आधा घंटा दोपहर भोजन का, आधा घंटा रात्रि भोजन का ऑटोमेटिक पूजा में बदल जाएगा। और तीसरी बात क्या है कि इन संतों ने बड़ा भारी जोर दिया स्वादेंद्रिय निग्रह पर। जब तक स्वाद पर कंट्रोल नहीं हो जाता तब तक आत्मा की सारी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं हो पाता। महात्मा गांधी जी ने अपनी पुस्तक ब्रह्मचर्य में इस बात पर बड़ा जोर दिया, स्वाद पर कंट्रोल करने का बड़ा सुंदर सभ्य तरीका इन संतों ने बताया। बहुत से महात्मा बहुत कष्ट उठाते हैं स्वाद पर कंट्रोल करने के लिए। कोई फीका खाता है, कोई मीठा छोड़ता है, कोई सारी चीजें मिलाकर खाते हैं, बड़ा तप और तपस्या करते हैं। कोई कोई महात्मा तो घास घोट कर पीते हैं। हमारे सदगुरुओं ने बड़ा रैशनल तरीका बताया गृहस्थियों के लिए कि अगर परमात्मा की याद में भोजन करेंगे स्वतः ही स्वादेंद्रिय निग्रह हो जाएगा, स्वादों से आप ऊपर उठ जाएंगे। अब आपके पूजा के 2 घंटे हो गए, आधा घंटा सुबह पूजन, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन, 2 घंटे का ध्यान अपने इष्ट देव का। आगे चलिए, संत महात्मा ने बताया कि हर मनुष्य भोजन कर सोता है और सोने में औसतन 6 घंटे सब लगाते हैं, 6 घंटे निद्रा। अगर 6 घंटे से सोने से पहले 20 मिनट परमात्मा को दे दे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। सिर्फ 20 मिनट विहार की शुद्धि हो जाएगी। भगवान कृष्ण ने विहार की शुद्धि पर बड़ा भारी बल दिया। कैसे होगी इसका तरीका इन संतों ने बताया कि जब दुनिया के आपके सारे काम समाप्त हो जाएं, अपनी चारपाई पे बैठिए, आसन लगाने की जरूरत नहीं, 2 काम कीजिए। पहला आत्मनिरीक्षण, जो दिन में आपने काम किया उसको सोचिए
अपनी आत्मा से अगर कोई अच्छा काम बना, ऐसा काम जिससे दूसरी आत्मा को प्रसन्नता हुई हो, अगर ऐसा कोई परोपकार का काम बना है, उसे भगवान के अर्पण कर दीजिए कि हे प्रभु, आपकी दया कृपा से बना। इस सेवक में कहां शक्ति है कि इससे कोई अच्छा काम बने? आपने अवसर प्रदान किया और हो गया। इस अच्छाई को भगवान के अर्पण कर दीजिए। प्रभु, आपकी दया कृपा से हुआ। फिर सोचिए कि आप में कोई कमी तो नहीं है, खराबी तो नहीं है। अपनी आत्मा से पूछिए, किसी के इसके लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं। आपकी आत्मा आपका सबसे बड़ा गुरु है। अगर आपकी आत्मा कहती है कि नहीं है तो बड़ी अच्छी बात है। अगर कहती है कि हमारे अंदर झूठ है, कपट है, आपकी जिंदगी में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, अगर ऐसी कोई चीज आपको नजर आती है, इसके लिए प्रायश्चित करना बड़ा आवश्यक है। और भगवान के सामने अगर सच्चे हृदय से प्रायश्चित करें कि परमात्मा हमें इन कमियों से मुक्ति करे। प्रार्थना बहुत बड़ी चीज है। परमात्मा के सामने अगर ऐसा करते हैं तो भगवान हमारी आत्मा को ऊंचा उठाता चला जाता है। और प्रार्थना करने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपके सामने रखता हूं। आप अपनी आत्मा से पूछिए कि हमसे जो काम हो जाते हैं बड़ी गड़बड़ है, उनमें से सबसे छोटी सी बात को पकड़ें, बड़ी को ना पकड़े। जो आदतवश हो जाते हैं, जैसे गप लड़ाने की आदत पड़ गई है, उसमें झूठ बोल जाते हैं, इससे कोई फायदा तो नहीं। झूठ तो झूठ है, बिना मतलब झूठ के बोले। अगर आपकी आत्मा कुड़ती है, दुखी होती है, तो ऐसी छोटी छोटी बातों को पकड़िए। अगर आप छोड़ते चले जाएंगे, आपके विल पावर, इच्छा शक्ति बढ़ती चली जाएगी। धीरे धीरे बड़ी बड़ी कमियां, खराबियां जो आप में हैं, जिन्हें आप सोचते हैं कि नहीं जा सकेंगी, उनमें भी परिवर्तन होता नजर आएगा, वह भी छूटती नजर आएंगी। पर शर्त एक है कि जिस बात का आप भगवान से वायदा करें उसे पूरा करें। और अगर पूरा नहीं करेंगे तो आपके विल पावर, इच्छा शक्ति घटेगी। वायदा न करना चाहे, लेकिन वायदा करके पूरा न करना खराब है। जो वायदा करें पूरा करें, अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाएं, बढ़ती चली जाएगी। इसके बाद अपने इष्ट देव का ध्यान कीजिए। जब ध्यान अच्छा लग जाए तो उसी के ध्यान में सो जाइए। उन्हीं को याद करते करते सो जाएं। ये अभ्यास, अगर ये अभ्यास करेंगे तो बहुत सुंदर सुंदर अनुभव आपको मालूम होंगे। ऐसे भाई बहने जिन्हें ऊट पटांग सपने आते हैं, सपने आने बंद हो जाएंगे, नींद अच्छी आएगी, बेखबर होकर सोएंगे। जब ये अभ्यास और बढ़ेगा तो आपके सपने बदल जाएंगे, सुंदर सुंदर सपने आएंगे। देखेंगे आप पूजा कर रहे हैं, कभी कभी देखेंगे कि आप अपने इष्ट देव के मंदिर में बैठे पूजा कर रहे हैं, अपने इष्ट का दर्शन, अपने गुरु का दर्शन, कभी सत्संग में बैठे हैं,
जब साधक और तरक्की करता है, बड़े सुंदर सुंदर अनुभव खुलते हैं। सोते सोते अनंत सूर्यों का प्रकाश नजर आएगा, सारा शरीर विद्युत से ओतप्रोत महसूस होगा। जब ऐसा साधक सोकर उठता है, वास्तव में उसके शरीर में बिजली दौड़ रही होती है, बड़ा अचंभा होता है, बड़ी हैरत होती है। ऐसा साधक जिस ध्यान में सोया था, जब उठेगा उसी का ध्यान बना होगा, उसके मुख से परमात्मा का नाम पहले निकलेगा। जो अच्छे साधक हैं, जिनके आज्ञा चक्र पर स्पंदन होता है, यदि सोते समय आज्ञा चक्र पर स्पंदन था, जब उठेंगे वह स्पंदन और तेज होता मिलेगा। आत्मा यही कहती है कि मैं जिस ध्यान में सोया था, रात भर उसी का ध्यान बना रहा। 6 घंटे सोने के वास्तव में पूजा में बदल जाते हैं। बात क्या है, मन का एक विशेष गुण है, मन जिन विचारों में डूब कर सोता है, उन्हीं विचारों में रात भर पड़ा रहता है। हम लोग ग्रस्ती हैं, कभी कोई मुसीबत आ पड़ी तो सोने से पहले उस मुसीबत की चिंता होती है, उसी चिंता में सो जाते हैं, स्वप्न उसी मुसीबत का देखते हैं। सुबह उठते हैं, उसी चिंता में उठते हैं। एक बच्चा है, माँ का दूध पीते पीते सो जाता है, रात भर चप चप करता रहता है, मानसिक रूप से दूध पीता होता है। ये मन का एक विशेष गुण है कि मन जिन विचारों में गहरा डूब कर सोता है, उन्हीं विचारों में पड़ा रहता है। अगर आप ईश्वर से प्रार्थना करके सोएंगे, ईश्वर को याद करके सोएंगे, ईश्वर को साथ लेके सोएंगे, रात भर आपका ध्यान बना रहेगा और 6 घंटे सोने के पूजा में बदल जाएंगे। ये है विहार की शुद्धि, जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा भारी जोर दिया। विहार शैया योगक्षेम का क्षेत्र है, जिस साधक को सच्ची प्रगति मिलती है, मन का बदलाव दर्शाती है। यह तरीका इन संतों ने बताया प्रैक्टिकल की, कैसे सच्चा विहार हमसे बने। ऐसे आधा घंटा सुबह पूजा का, आधा घंटा सायंकाल पूजा, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन, 6 घंटे सोने के हर व्यक्ति चाहे कितनी लाइफ में बिजी क्यों ना हो, अपने बना सकता है। 24 में से 8 घंटे अपना जीवन ईश्वर में बना सकता है, और दुनिया के काम करने के लिए सारा समय आपके पास ऐसा कई ऐसा मौजूद है, उसमें से एक भी सेकंड नहीं दिया गया। संसार का सारा समय, व्यवहार का, आपके आपके व्यवसाय का, आपके आपके ऑफिस का, आपके टीचिंग का, आपके पास वैसा का वैसा ही मौजूद है। ये साधना का पहला स्टेप, पहली सीढ़ी, परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निःशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।